मैं वीके सिंह द सी सी एस अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं आज आप सभी का अगेन वेलकम करता हूँ। तो टुडे की क्लास में आज हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थर्ड। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थर्ड। अब तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मैंने दो लेक्चर पहले हमने अपलोड कर रखे हैं, ये लेक्चर थर्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली जो चार प्रॉपर्टीज होती है उसमें से हमने तीन एक्सप्लेन कर दिया है। उनके नाम है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम समझेंगे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है। तो देखते हैं, ऑस्मोसिस इज द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म थ्रू ए सेमी मेम्ब्रेन फॉर्म प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फॉर्म ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई एबे नोलेट। ओके, सेकेंड पॉइंट, सम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स आर एनिमल्स ब्लेडर एंड सेल मेम्ब्रेन। ओके, यानी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड डू द अंडरलाइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सी यू टू एफ पी सी एन सिक्स इज एन आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच डज नॉट वर्क इन नॉन इक्वल सोल्यूशन, इट इज डिजॉल्व इन। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू टाइप्स, एक्सो ऑस्मोसिस एंड इंडो ऑस्मोसिस। अब हम फर्स्ट देखते हैं एक्सोमोसिस क्या होता है। इट इज़ आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम ए सेल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, इंडो ऑस्मोसिस, इट इज़ इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम ए सेल थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है। तो अब हम क्लियर करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब तक हमने ये देखा कि ऑस्मोसिस हमारी क्या होती है। तो ऑस्मोसिस क्लियर करने के बाद हम देखते हैं ऑस्मोटिक, क्योंकि ये दोनों टर्म एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करती हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप्ड ऑन द सॉल्यूशन विच जस्ट प्रिवेंट द ऑस्मोसिस ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इट मीन्स अगर हम इसे अदर वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब होगा कि वो डैट प्रेशर जो ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करे वो कहलाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ठीक। अभी हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पहले थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं फिर देखते हैं। ऑस्मोटिक जो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीआरटी, वेयर यानी कि हम कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है सीआरटी, वेयर क्या होता है, सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन होता है, आर गैस कॉन्स्टेंट होता है और टी टेम्परेचर होता है। लेकिन ये जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में कंसिडर किया जाएगा। तो आप जानते हैं ना कि जब हम किसी भी टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड को हम 273 इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये टर्म हमारे आ जाते हैं बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर में। ठीक, तो आइस चेक करते हैं। फिर जो कंसंट्रेशन होता है को बोलते हैं मोल पर लीटर, यानी कि एक दूसरे वर्ड्स में ये एक मोलरिटी भी होती है। तो हमने लिखा है एन बी बाई वी, वेयर जब हम मोल्स ले रहे हैं किसके टेकन करेंगे, सॉलिड बी के लेंगे। ठीक है, तो अब मोल्स के एक नए फॉर्मेट को हम जानते हैं, मोल इक्वल टू होते हैं हमारे बेसिकली वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन उसका मोलर मास। तो उस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो एक नया टर्म यहाँ से ये बन के आता है। ठीक, ओके, तो अब हम देखते हैं, अब सारे वैल्यू को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में इस तरीके से पुट करेंगे ये सारे वैल्यू को, तो क्या बन के हमारे आ जाएंगे बेसिकली पाई इक्वल टू आर टी अपॉन एम वी इंटू वी। जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो उसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, वेयर हम इसे इस फॉर्मेट इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि इसके एक नया रिलेशन फॉर्म हो जाए। जैसे कि वी नो डैट द डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ बाई वॉल्यूम, तो एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन वी। ओके, देन पुट द वैल्यू ऑफ डी इन द अबव इक्वेशन। ओके, पाई इज इक्वल टू आर टी डी अपॉन एम बी, वेयर डी डेंसिटी होते हैं, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर एंड एम बी जो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ये कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे होते हैं जो सब कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। इट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, फर्स्ट हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन को समझने से पहले हम पहले ये क्लियर कर ले कि हाइपर मीन्स क्या होता है। हाइपर मीन्स माइंड का इंक्रीज होना, माइंड के पावर का इंक्रीज होना। जैसे माइंड का गुस्सा वेपराइज होता है ना, वैसे बॉयल कर जाता है, वैसे ही हमारे सोल्यूशन भी बॉयल करते हैं। तो यानी कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे गिवन सॉल्यूट से या सोल्यूशन से ज़्यादा हो जाएगा, तब हम उस सोल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक। अब उसको देखते हैं, ए सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक इफ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन डेट ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम द विच इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट्स क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब है डाउन होना। डाउन मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना। सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक इफ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज लोअर देन दैट ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम विच इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर? तो ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके लिए एक थर्ड टर्म आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं ये थोड़े से स्पेशल होते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसे काफ़ी ये काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं, टू सोल्यूशन आर कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन इफ दे एग्जर्ट द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, दिस सोल्यूशन हैव सेम मॉलिकुलर यानी कि मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि वेन द कंसंट्रेशन ऑफ द टू सोल्यूशन आर कॉल्ड इक्वल। इट मीन्स जब किसी ऐसे दो सोल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, तो वे सोल्यूशन एक दूसरे के आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाते हैं। आइसो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि आइसो मीन्स वी नो अबाउट द आइसो, आइसो मीन्स सेम। वेन बोथ क्वांटिटी आर सेम देन इट्स नोन एज आइसो। ओके, तो दे कैन डिस्क्राइब बिलो, इफ टू सोल्यूशंस आर आइसोटोनिक देन पाई वन इज इक्वल टू पाई टू अकॉर्डिंग टू अबव कंडीशन। सो वेन पुट द वैल्यू ऑफ पाई वन एंड पाई टू देन चेक सी वन आर वन टी वन इज इक्वल टू सी टू आर टू टी टू बिकॉज आर आर गैस कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर आर सेम। सो ओनली सी वन इज इक्वल टू सी टू देन पुट द वैल्यू ऑफ सी वन एंड सी टू इन द टर्म ऑफ मोल। सो वी कैन फाइंड डब्ल्यू वन इज अपॉन एम वन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू एम टू वेयर डब्ल्यू वन इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट इन द फर्स्ट सोल्यूशन। ओके, एंड एम वन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन। ओके, डब्ल्यू टू वेट ऑफ द सॉल्यूट वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन द सेकेंड सोल्यूशन एंड एम टू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन द सेकेंड सोल्यूशन। देखने के बाद हम लास्ट टॉपिक कंसिडर करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स इन जनरली रिवर्स ऑस्मोसिस इज द वाइस वर्सा ऑफ ऑस्मोसिस। सो वी कैन एक्सप्लेन व्हेन ऑस्मोसिस को देखते हैं, व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर द सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट विच इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके कुछ पॉइंट हैं, डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर इज डन बाई रिवर्स ऑस्मोसिस। ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं। डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस डेट टेक्स वे मिनरल कंपोनेंट फ्रॉम सेलिन वाटर। मोर जनरली डिस्टिलेशन रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल फ्रॉम ए टारगेट सबस्टांस एज सॉइल डिस्टिलेशन विच इज एन इश्योर ऑफ एग्रीकल्चर।